100 शहर 100 खबर। चंडीगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, पूरा शहर छावनी में तब्दील। पीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री, देश से सेवा में अपील करने की बात कही। चंडीगढ़ में पीएम दौरे का विरोध करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, सभी हिरासत में लिए गए, पवन बंसल भी हिरासत। चंडीगढ़ के बाद ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री, अपने बीमार गुरु दयानंद गिरी से मिलकर उनका हालचाल पूछे। ओडिशा दौरे में कटक ने वल्लभ भाई पटेल अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी, नवजात बच्चों की मौतों को लेकर अस्पताल प्रशासन से ली जानकारी। बिहार में सीटों के बंटवारे पर मुलाकातों का सिलसिला जारी, आरएलएसपी के महासचिव शिवराज ने अमित शाह से की मुलाकात। सीटों को लेकर पासवान को मनाने की कोशिश जारी, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पासवान से मुलाकात। चुनाव को लेकर रामदेव का सियासी ट्विस्ट, मोदी को बताया देश का विकास पुरुष, नीतीश को बिहार पुरुष, बोले कांटे की है दोनों में टक्कर। लालू यादव ने चुनाव में जीत का किया दावा, कहा मोदी को आईना दिखाएगा बिहार। आरक्षण को लेकर गुजरात के मंत्रियों की कमेटी ने सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट, जल्द आ सकता है नई आरक्षण नीति का ऐलान। अल्मोड़ा में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया हिमालय नीति का ऐलान, कहा जंगलों को आग से बचाने के लिए हटाए जाएंगे चीड़ के पेड़। स्मृति ईरानी की कोशिश से घर लौटा मलेशिया में फंसा अमेठी का एक युवक, गांव वालों ने जताई खुशी। पुलिस मुख्यालय पहुंची सोमनाथ भारती की पत्नी, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से आज हो सकती है पूछताछ। बीफ बैन को लेकर मुश्किल में जम्मू कश्मीर सरकार, हाईकोर्ट ने दिया सख्ती से पालन करने का निर्देश, मुस्लिम संगठनों ने जताया विरोध। मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, मटन डीलर एसोसिएशन ने बैन के खिलाफ दायर की याचिका। पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ के डीजी स्तर की बातचीत का दूसरा दिन, सूत्रों के अनुसार सीमा पर शांति बनाए रखने पर बन गई है सहमति। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, चारों आतंकवादी मारे गए, सेना के दो जवान शहीद। हंदवाड़ा मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा देंगे गृह मंत्री को रिपोर्ट, होगी जरूरी कार्रवाई। असम के चुरांग में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के दो उग्रवादी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त। ۲۰۰۶ में मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट में 12 दोषी करार, 14 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा, 189 लोगों की हुई थी मौत। जारी है एफटीआईआई चेयरमैन विवाद, हटाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं 3 छात्र। ओएनजीसी में पीएफ घोटाले का खुलासा, 125 करोड़ रुपए के गड़बड़झाले का शक। 84 सिख दंगों की सुनवाई में नया मोड़, अदालत में गवाह ने आरोपी के तौर पर की सज्जन कुमार की पहचान। सुनंदा पुष्कर मामले को लेकर फिर से राजनीति, सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। जानवरों की मौत के बाद कानपुर में शिव सैनिकों का हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सड़क मरम्मत के लिए स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, हाईवे को किया जाम। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद बवाल, NH-60 पर जाम। कर्नाटक के रायचूर में एसपी पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, आईआईटी बनाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। गाजियाबाद में बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा, यूपी सरकार के खिलाफ विरोध। शीना मर्डर केस को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने सादी चुप्पी, नहीं दिया सवाल का जवाब कि कौन कर रहा है जांच। नेपाली महिलाओं ने रेप केस के मामले में बकला दूल, महिला संगठनों ने सऊदी अरब के दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन।
नेपाली लड़कियों से रेप के केस में गुड़गांव पुलिस ने विदेश मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी डिप्लोमेट ने सऊदी दूतावास में ली शरण। गुड़गांव बलात्कार में कूटनीतिक दांव, नेपाली दूतावास के अधिकारियों ने पुलिस से की मुलाकात। मैसूर में कन्नड़ लेखक का केस, भगवान को मिली धमकी, सरकार ने सुरक्षा दी। मुथालिक में रामायण की आलोचना का लगाया था आरोप। मुंबई में एक बार फिर से गैंग वार की दस्तक, वडाला में एक शख्स की फायरिंग में मौत। झारखंड के जमशेदपुर में एक्साइज के पूर्व कमिश्नर के घर विजिलेंस का छापा, 1.5 किलो सोना, अलग अलग बैंकों के 22 खाते मिले। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता की गुंडागर्दी, मुफ्त में होर्डिंग न छापने पर प्रिंटिंग प्रेस में की फायरिंग। दिल्ली में 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, पड़ोस में रहता है आरोपी, पुलिस ने हिरासत में लिया। जयपुर में सड़क पर सांड ने मचाया उत्पात, 3 घंटे बाद काबू में आया ट्रैफिक जाम। अहमदाबाद में सीसीटीवी में दर्ज हत्या की तस्वीरें, सड़क पर पीट पीट कर हत्या। कर्नाटक के बंडवाल में टीचर पर छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुड़गांव में कार के अंदर दम घुटने से 2 बच्चियों की मौत, कार में खेलते वक्त गाड़ी हुई लॉक। जैसलमेर में दूषित खून छड़ाने से महिला की मौत, 10 दिन पहले बच्ची को दिया था जल। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में बीएसएफ जवान ने आत्महत्या की, खुद को मारी गोली। यूपी के झांसी में दबंगों की छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने की आत्महत्या, 2 दिन बाद भी खाली पुलिस के हाथ। झारखंड के चाईबासा में नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने नक्सली गतिविधि में शामिल होने के आरोप में आजसू नेता को भी पकड़ा। पाबंदी के बावजूद ड्राइविंग के दौरान करीब आधे घंटे तक फोन पर बात करता रहा डीटीसी बस का ड्राइवर, खतरे में डाली मुसाफिरों की जान। यूपी के कौशाम्बी में एसपी के विधायक की गाड़ी ने 2 को कुचला, पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया। दिल्ली से सटे नोएडा में 5 लाख के लूट, बैंक से पैसे निकाल कर आ रहे थे कारोबारी ललित कुमार, उन्हें लूटा गया। दार्जिलिंग के होटल में मिला अमेरिकी नागरिक का शव, सामाजिक कामों के लिए 19 जुलाई को आया था भारत। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने सुलझाई मासूम की हत्या की गुत्थी, पड़ोसी ने किया था 7 साल के मासूम का मर्डर। मुंबई में मालवाणी शराब कांड में पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने दाखिल की अपनी चार्जशीट, 106 लोगों की गई थी इसमें जान। दिल्ली पुलिस ने किया 125 करोड़ के लूट की वारदात को सुलझाने का दावा, सीसीटीवी मोबाइल सर्विलांस से 7 को किया गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में इन्वर्टर की बैटरी में विस्फोट से घर में आग, महिला झुलसी, लाखों का सामान खाक। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के करंट ने 2.5 साल के मासूम की जान ली, घर में तार से खेल रही थी बच्ची। दिल्ली में नाबालिग छात्रा के साथ 5 लड़कों ने छेड़खानी की, 2 गिरफ्तार, 3 फरार। आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एमटेक की छात्रा की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को हत्या का शक। जमशेदपुर ने बेटे ने पीट पीट कर पिता की हत्या की, संपत्ति का विवाद। पंजाब के गुरदासपुर में कोर्ट परिसर में शव मिला, पंखे से लटकी मिली एक कर्मचारी की लाश। बिजनौर में डीएम को घूस देने की कोशिश में 3 गिरफ्तार, पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में हेर फेर करना चाहते थे 3। यूपी के बरेली में दारोगा की हत्या, पशु तस्करों को पकड़ने गए थे मनोज मिश्रा। कानपुर के पिकनिक स्पॉट मोती झील चौराहे पर हड़कंप, कार में लगी आग। मध्य प्रदेश के रतलाम में एथलीट खिलाड़ियों ने कोच पर लगाया बदसलूकी का आरोप, विशाखापट्टनम से लौटते वक्त वारदात, आरोपी पर भीड़ ने पिटाई। पुणे में बम बेचने वाले विकी सावंत को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा, एक जिंदा बम भी किया बरामद।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवक ने स्कूल में घुसकर एक छात्रा की हत्या की, बाद में खुद भी कर लिया आत्महत्या। नोएडा में घर का सपना दिखाकर 7 करोड़ रुपए की ठगी, खरीदारों से पैसे लेकर फर्जी कंपनी हुई फरार। यूपी के फिरोजाबाद में थाने के अंदर 2 गुटों में मारपीट, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। दिल्ली में कच्चा गिरोह का कहर, हथियारों से लैस बदमाशों ने चोरी की, सीसीटीवी में कैद। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े महिला की हत्या, घर में घुसकर मारी गोली। दिल्ली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को दबोचा, 6 बाइक बरामद, 100 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिल दहलाने देने वाली वारदात, अज्ञात बंदूकधारियों ने 14 साल के लड़के को गोली मारी। यूपी के अमरोहा में बाइक चोरों के बड़े गिरोह का खुलासा, चोरी की 34 बाइक के साथ 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगे कैमरों पर नक्सलियों ने किया कब्जा, शेरों की गिनती के लिए लगाए गए थे ये कैमरे। शिमला के मेन पोस्टल इलेक्शन में सेंटर में 16 बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद। नोएडा में डेंगू मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ऑटो वालों पर पुलिस ने चलाई लाठियां, टीएमसी ट्रेड यूनियन की वसूली को लेकर बवाल। पुनर्वास की मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का प्रदर्शन, प्लांट अधिकारियों की निकाली शव यात्रा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुर्ला गोरखपुर एक्सप्रेस की पेंट्री कार में छापा, अवैध रूप से लाए जा रहे थे पानी के 32 कार्टून। तेलंगाना के आदिलाबाद के गांव में लोगों ने शराब छोड़ने का किया संकल्प, 100 लोग पहुंचे अस्पताल। छात्र संघ चुनाव के लिए डीयू में चल रही है वोटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर ट्राई का कड़ा रुख, नेटवर्क ठीक करने के लिए 15 दिन का दिया वक्त। 3 दिन के जैसलमेर दौरे पर योग गुरु बाबा रामदेव, जवानों को सिखाएंगे योग। बाजार में आने से पहले बाबा रामदेव के नूडल्स पर विवाद, उत्तराखंड के मंत्री ने कहा बिना जांच किए लॉन्च किया गया तो लगेगी पाबंदी। यूपी के संभल में रहस्यमय बीमारी का कहर, 150 लोग बीमार, 3 की मौत। बिहार के बेगूसराय में शख्स की तालिबानी हरकत, पढ़ने से रोकने के लिए जला दिए बेटी के सर्टिफिकेट्स। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए बताया जरूरी। फरीदाबाद में मेट्रो रेल ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, पार्किंग की समस्या की वजह से लोग परेशान। केरल के मन्नार में चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल, बोनस नहीं दिए जाने का किया विरोध। बिहार के कटिहार में कैंसर पीड़ित बच्ची की मदद के लिए स्कूली बच्चों ने बढ़ाया हाथ, 63,000 रुपए जमा किए। राजस्थान में होमगार्ड के जवानों ने नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर खून से लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री से मांगी इच्छा मृत्यु। जैसलमेर में भी प्रधानमंत्री के नाम होमगार्ड्स के 199 जवानों की चिट्ठी, पूरे साल 5 महीने काम दिए जाने का विरोध। राजस्थान के वन विभाग में हड़कंप, 60% घट गई है राज्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद। पुणे में रिहायशी इलाके के पास नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। बांकुरा में सड़क पर निकला हाथी, कुछ देर के लिए थम गया ट्रैफिक।